roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. ध्यान में लीन थे। इसी समय कामदेव ने यहां आकर उनके ध्यान को भंग कर दिया था। भोलेनाथ के क्रोध से कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। तभी से इस पहाड़ी को भस्मांचल के नाम से जाना जाने लगा। यहां के स्थानीय पुजारियों द्वारा भी एक कहानी बताई जाती है, जिसके अनुसार द्वापर युग में गुवाहाटी शहर को
प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। इस टापू द्वीप के दाहिनी तरफ के तट पर एक व्यापारी रहता था जिसके पास कई पशु थे। कहते हैं कि उसमें से एक कामधेनु गाय प्रतिदिन भस्मांचल पहाड़ी पर दूध देने आया करती थी। उत्सुकतावश उस व्यापारी ने उस गाय का पीछा किया और ये पाया कि गाय रोज एक बेल के पेड़ के नीचे ही आया करती है। ठीक उसी रात स्वप्न में व्यापारी को ईश्वरी दर्शन हुए और उसके स्वप्नानुसार पहाड़ी के बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिसको यथोचित विधि के अनुसार स्थापित किया जाए। कहते हैं कि उसी रात भयानक भूकंप से ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में परिवर्तन आया और भस्मांचल पहाड़ी चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा से घिर गई। जल का स्तर कम होने पर व्यापारी ने उस जगह पर आकर खुदाई की और शिवलिंग को पाया। कहते हैं कि उस व्यापारी ने सबसे पहले भस्मांचल पहाड़ी पर मंदिर की स्थापना की। तो इस प्रकार यहाँ के शिवलिंग की उत्पत्ति की ये लोक कथा काफी प्रचलित है। समय के साथ साथ मंदिर के स्वरूप में परिवर्तन आता गया। वैसे तो इतिहास में इस मंदिर के निर्माण के काफी वर्णन नहीं है, पर मौजूदा साक्ष्य के अनुसार सन 1694 में अहोम राजा गदाधर जी द्वारा यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया था, पर बाद में सन 1897 के विनाशकारी भूकंप से वह मंदिर खंडित और क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद यहाँ एक नए मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। कहते हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण एक स्थानीय व्यापारी द्वारा कराया गया था। एक बात और जो इस टापू को खास बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना यह भस्मांचल पहाड़ी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। कहते हैं कि यह संसार का सबसे छोटा रिहायशी टापू है जहां आज भी इंसानों की आबादी रहती है। सावन के महीने में इस मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही बढ़ जाती है। इस मंदिर परिसर में अनेक छोटे छोटे मंदिरों को समाहित किया गया है जिनका अपना खास महत्व है। ब्रह्मपुत्र नदी के कई घाटों से भस्मांचल पहाड़ी उमानंद मंदिर में पहुंचा जा सकता है। अधिकांशतः लोग उजान बाजार या काहरी घाट से फेरी के द्वारा इस मंदिर पर पहुंच सकते हैं। यदि आप गुवाहाटी की यात्रा में आए हैं तो सफेद रेत के घाटों से होते हुए स्थानीय निकाय के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पे चलने वाली फेरी की यात्रा भी अपने आप में एक अलग महत्व रखती है, पर इसका अनुभव आपको काफी रोमांचक लगेगा। ब्रह्मपुत्र नदी की तेज बहती हुई जलधारा को चीर कर आगे बढ़ती हुई फेरी के साथ साथ चलती हवाओं के झोंके अपने आप में एक अलग अनुभव और स्मृति तैयार करते हैं। उमानंद मंदिर की यात्रा के बाद शाम को ढलते हुए सूरज के गुलाबी किरणों की रोशनी में इस विशाल काय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी किसी बड़े कैनवास पर सजाए गए दृश्य सा दिखता है। प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता और आध्यात्मिकता की सहज भावना के बीच उमानंद मंदिर की यात्रा आपके लिए खास स्मृति बनाती है। क्योंकि यह मंदिर नदी के बीचों बीच अलग रूप से विशेष टापू पर बना है, इसलिए यहाँ दर्शन के लिए एक खास समय है। सामान्य तौर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। स्थानीय फेरी द्वारा एक विशेष समय सुझाया जाता है। सुबह के 5:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप इस मंदिर की यात्रा का आनंद ले सकते। उमानंद मंदिर में दाखिल होते ही मुख्य गर्भगृह से सटे हुए एक बड़े हॉल के बीचों बीच विराजमान है ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करने के बाद आगे बढ़ने पर मंदिर का मुख्य गर्भगृह मिलता है जिसके द्वार के दोनों ओर राधे श्याम लिखा हुआ है और ऊपर कांसे की पतरी पर भगवान शिव की खुदी हुई तस्वीर लगी हुई है। यहाँ से आप मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। गर्भगृह के अंदर अखंड दीप जल रहा है जिसमें रोजाना 1 लीटर तेल लगता है। यह दीप उस दिन से जल रहा है जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कहते हैं कि वर्ष 1694 में जब अहोम राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया तब असम में कोई ब्राह्मण परिवार निवास नहीं करता था, इसीलिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज से 2 परिवार आए थे और आज तक उन्हीं की पीढ़ी इस मंदिर की देखरेख करती है। मंदिर का नियम था कि पहाड़ी पर किसी भी पुजारी का परिवार नहीं रहेगा,
और आज भी इस नियम का पालन किया जा रहा है। आज भी इस मंदिर में कुल 16 पुजारी हैं और सभी के परिवार चांगसारी में रहते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता यह भी है कि यहाँ साल भर शाकाहारी भोग लगाया जाता है, परंतु शिवरात्रि के दिन यहाँ मांसाहारी भोग लगता है। गुवाहाटी का यह उमानंद मंदिर असम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ शिवरात्रि पर बड़ी धूम रहती है, जिसमें भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। उसके अलावा साल भर यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यूं तो आज की युवा पीढ़ी धर्म से काफ़ी दूर होती जा रही है, लेकिन उमानंद में आने से आपका यह ख्याल बदल जाएगा। अच्छे पति पत्नी की तमन्ना लिए हुए युवा जोड़ियां यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं। शिवरात्रि के दिन पार्वती की तरह पत्नी और शिव की तरह पति पाने की तमन्ना लिए काफ़ी युवक युवतियां शिव आराधना करते नज़र आते हैं। शिवरात्रि के दिन उमानंद में खास 4 प्रकार की पूजा के विधान हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ दिन भर भोग भी चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति बिना भोग खाए मंदिर परिसर से वापस नहीं जाता। कहा जाता है कि इस दिन मांगने वालों की हर मनोकामना भोले बाबा पूरी करते हैं। उमानंद मंदिर की यात्रा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए।